नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वात में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सभापति पाठक के बेटे को फैक्ट्री में घुसकर एक दर्जन लोगों ने धमकाया, 2 लाख रुपए मांगे, मजदूरों से अभद्रता की और बिस्तर फूंके। दरीबा में पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट से मौत, रिपेयरिंग के दौरान ग्रिड सप्लाई चालू होने से हुआ हादसा। विजय सिंह पथिक नगर स्थित महिला आश्रम कॉलेज परिसर में लगी आग, 3 दमकल व टैंकर से पाया आग पर काबू। जागरूक नागरिक की क्या पहचान, सभी करेंगे मतदान के नारों के साथ निकाली रैली। तेवली पुलिस ने किया अपहरण व लूट के मामले का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण कर दिए दिशा निर्देश। गुब्बारा उड़ाकर किया मतदाताओं को जागरूक, चलाया अभियान। भिलवाड़ा नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के बेटे को एक दर्जन लोगों ने फैक्ट्री में घुसकर न केवल धमकाते हुए 2 लाख रुपए की मंथली की मांग की, बल्कि लेबर से अभद्रता कर उनके बिस्तर भी फूंक दिए। घटना सांगाने रोड पालड़ी की बताई गई है। सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल्कीपुरा निवासी सभापति राकेश पाठक के बेटे मृत्युंजय पाठक ने सदर थाने में रिपोर्ट दी कि उनकी सांगाने रोड पालड़ी में मृत्युंजय एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है, जहां वे अपने ऑफिस में बैठे थे। इस दौरान महिला आश्रम के पास मालीखेड़ा निवासी महावीर पुत्र धन्ना माली, समुद्र पुत्र महावीर माली, राकेश पुत्र महावीर माली व चपरासी कॉलोनी निवासी रामनिवास उर्फ रामू गुजर व 9 अन्य व्यक्ति हथियार व लोहे की रॉड लेकर जबरन फैक्ट्री के अंदर घुस आए। ये आरोपित परिवादी मृत्युंजय व उनकी लेबर को डराने धमकाने लगे, काली गलोच मारपीट व धक्का मुक्की की और कहा कि बहुत कमाई कर रहे हो, यहाँ पर रहकर कमा खाना है और फैक्ट्री चलानी है तो हमारे को 2 लाख रुपए महीने की बंदी देनी होगी, नहीं तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। आरोपितों ने यह भी धमकी दी कि तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। मृत्युंजय ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि फैक्ट्री की लेबर जहां रह रही है वहां जाकर इन लोगों ने लेबर के सारे रूम में तोड़फोड़ कर दी, खाने के सामान फेंक दिए, बिस्तरों को आग लगा दी, लेबर के जो पैसे पड़े थे वो भी लेकर चले गए। पुलिस ने मृत्युंजय की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। कल लगभग 3:30 बजे के आसपास एक रामनिवास गुजर, महावीर माली और 10-15 लोग आए और जहाँ पे हमारे श्रमिक निवास करते हैं वहाँ पे भयंकर तोड़फोड़ की, बिस्तरों में आग लगा दी, कपड़े चूल्हों को और इनको तोड़फोड़ दिया, वहाँ जो सामान और नकदी थी उसको उठा के ले गए। उसके बाद में फैक्ट्री में आए और रामनिवास गुजर ने और इन्होंने पिस्तौल लहरा के कहा, शायद या तो रंगदारी वसूल करने के लिए मेरे बेटे को धमकाया और कहा कि ये जगह खाली कर देना वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। कितने रुपए लेकर घटना कहेंगे, क्या हथियार भी था कोई? कहना उसके पास, हमारे पास सीसीटीवी वीडियो है जो मैंने आपको उपलब्ध कराए, उसमें रामनिवास गुजर सीधा सीधा पिस्तौल लहराता हुआ दिख रहा है। पुर थाने के दरीबा गांव में लाइन की मरम्मत करने पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि लाइनमैन 2 दिन पहले ही यहां डेपुटेशन पर आया था। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोगों का आरोप है कि लाइन रिपेयरिंग के दौरान ग्रिड से सप्लाई चालू कर देने से यह हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। पुर थाना पुलिस व ग्रामीणों के अनुसार 2 दिन पहले डेपुटेशन पर लगाया गया लाइनमैन शुक्रवार दोपहर दरीबा गने के लिए बिजली पोल पर चढ़ा। वह लाइन रिपेयर कर रहा था तभी अचानक उसे करंट लगा और वह पोल पर ही लाइन से चिपक गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं पुर थाना प्रभारी जय सुल्तान सिंह एएसआई जमनालाल में जाप्ता मौके पर पहुंचे, जहां जुटी भीड़ ने आरोप लगाया कि लाइन रिपेयरिंग के दौरान ग्रिड से बिजली चालू करने से यह हादसा हुआ। करीब 20 दिन पुरानी अपहरण कर लूट की वारदात के 3 मुख्य आरोपी को पकड़ने में देवली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गत 29 मार्च को बाइक सवार युवक का अपहरण कर लूट की वारदात की थी। पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह जाट ने बताया कि गत 29 मार्च देर शाम राजमहल निवासी इंजीनियर पाराशर केकड़ी से बाइक लेकर गांव जा रहा था। यह युवक केकड़ी में मेडिकल की दुकान चलाता है। रंग पंचमी होने के चलते वह गांव लौट रहा था। इस बीच सुनसान जगह पर कार सवार लोगों ने उसकी बाइक को टक्कर मारी तथा इलाज कराने का बहाना करते हुए
पीड़ित जितेंद्र पाराशर की आंख में मिर्ची डाल दी तथा उसका अपहरण कर लिया। आरोपियों ने युवक को अपहरण करने के बाद चाकू की नोक पर नकदी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सोने के आभूषण लूट लिए तथा उस पर कई जगह चाकू से हमले किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। करीब 25 से 30 किलोमीटर युवक को कार में घुमाने के बाद आरोपी पीड़ित को हनुमान नगर थाना क्षेत्र के बारला पोलिया गांव में पटक कर चले गए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि ये सभी युवक आराम व लग्जरी लाइफ जीने के लिए इस तरह की वारदात करते हैं। उक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने मिलकर लूट की योजना बनाई। अधिकारियों ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की टीम ने जानकारियां जुटाई। इस दौरान करीब 300 से 400 सीसीटीवी फुटेज देखे, टेक्निकल तथ्य संग्रहित किया। वहीं टोडा राय सिंह, देवली, उनियारा, टोंक, चाशपुर, केकड़ी, सरवार, सावर समेत नजदीकी जगह पर इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाले 300 से 400 लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी। तब जाकर पुलिस मुख्य आरोपियों तक पहुंच सकी। पुलिस ने राजकुमार उर्फ पिंटू पुत्र राम प्रसाद मीणा निवासी श्रीनगर रानीपुरा, बिलासपुर थाना नगर फोर्ट, दिलखुश गुर्जर पुत्र अर्जुन लाल गुर्जर निवासी खरबूजा महल के पास बनेठा हाल सुरेली थाना बनेठा तथा गोवर्धन उर्फ गोधा पुत्र गोपाल जाट निवासी सोलापुर थाना डोटा राय सिंह जिला केकड़ी को गिरफ्तार किया है। जबकि रमेश पुत्र संपत मीणा निवासी श्रीनगर रानीपुरा बिलासपुर थाना नगर फोर्ट फिलहाल फरार है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। 2024 उसके परिजनों ने ये सूचना दी कि हमें आदमी मिल नहीं रहा है, और हमने उसका तलाश किया तो हमारे को मोटरसाइकिल पड़ी हुई मिली। उसके ऊपर थाना देवी, थाना दूनी और नासिरदा के स्टाफ को बताया कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह को देखो, कोई एक्सीडेंट की घटना तो नहीं हुई है। उसके बाद करीब 12 बजे के बाद में हमें सूचना प्राप्त हुई कि बारला पोरिया के पास में एक व्यक्ति पड़ा है। उसको पास पहुँचे तो वो आदमी जान से गायब, जो आदमी गायब था वही था, और उसको लाके हॉस्पिटलाइज कराया। जब वो काफ़ी अनकॉन्शियस स्थिति में था, लेकिन बोलने की स्थिति में था, काफ़ी उसकी जानलेवा उसके ऊपर हमला हुआ था और उसके साथ लूट की गई, लूट की वारदात की गई थी। उसको गाड़ी में पटक करके करीब 20 से 25 किलोमीटर उसको घुमाया था, 1 घंटे 2 घंटे तक करीब उसके साथ में बेरहने से ये घटना हुई थी। उसके बाद बड़ा गंभीर ये घटना घटित हुई थी, इसका प्रकरण दर्ज किया गया उसके परिजनों की रिपोर्ट पर, और थाना देवली एसपी साहब के ऑफिस से स्पेशल एक टीम का गठन किया गया। थाना नासिरदा दूनी और घाट से भी एक चुनिंदा जो एक स्टाफ है उसको इस वारदात के ट्रेस में लगाया गया। करीब 300 से 400 जगहों पे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। जो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनका इस घटना के पहले और इस घटना के बाद उनका आपराधिक जो मोमेंट था वो चेक किया गया, और इस घटना को वर्कआउट करने में हमारी जो स्पेशल टीम ने उसे बेहतरीन काम किया है। एक कोऑर्डिनेशन जिसको कह सकते हैं, एक लीडरशिप के रूप में एक लीड करके, और हमारे स्टाफ ने इसमें हमें प्रॉपर बार बार इनपुट दे रहे थे और घटना को ट्रैक करने में हमारी। शहर के विजय सिंह पथिकनगर स्थित महिला आश्रम कॉलेज परिसर में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग पर 3 दमकल और टैंकर की मदद से काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुभाष नगर थाने के दीवान सतीश कुमार ने बताया कि महिला आश्रम कॉलेज परिसर में पीछे की ओर बिल्डिंग निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते वहां आरसीसी की प्लाइयां रखी थी। सूखी धूप पर रखी लकड़ी की प्लाइयों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना पर सुभाष नगर पुलिस के साथ ही नगर परिषद, फायर स्टेशन से 3 दमकले और पानी का टैंकर मौके पर पहुंचा, जिनकी मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल आग के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधारकर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचोरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा भिलवाड़ा, मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट, सूचना केंद्र के पास भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880,
8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी philwarahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, कलेक्ट्रेट के पास, नई शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चित्तौड़गढ़ निर्वाचन विभाग द्वारा सतरंगी सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आयोजन आयोजित कर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने बैलून उड़ाकर मतदाताओं को जागरूक किया। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई विशेष अभियान जारी है। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाए गए। जिले के कपासन में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का प्रतिशत है। वहीं एक बड़ा अभियान महिलाओं के लिए चलाया गया था, जिसमें 51,000 महिलाओं ने मेहंदी लगाकर मतदान का संदेश दिया। इसी को देखते हुए यह बड़ा आयोजन कलेक्ट्रेट में किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान तथा मतगणना में भी महिला कर्मचारियों को अधिक से अधिक लगाया जाए। राजेश जोशी की रिपोर्ट। आज विशेष रूप से प्रचार प्रसार के रूप में एक हमने बलून उड़ाया है। उस बलून पे हमने लिखा है कि मत चूके मतदान, ही हमारी थीम है कि मतदाता जो है वो मत देने से चूके नहीं। पिछली बार हमारा 72% रहा था लोकसभा चुनाव में। हमारा मानना है कि हम इसको और बढ़ा सकते हैं, और खास करके इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा हुआ है। जैसे कि हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे यदि हम कपासन की बात करें, तो महिलाओं का प्रतिशत जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है वोटिंग में भी और रजिस्ट्रेशन में भी। वहाँ पर जेंडर रेशो 1,000 से ऊपर चला गया। तो ऐसे में हमने ये माना है कि इस बार मतदाताओं से व्यक्तिगत अपील की जाए। कुछ दिन पहले ही 51,000 महिलाओं में, आपने देखा होगा 26 अप्रैल को चुनाव है, ऐसा उन्होंने मेहंदी लगा के कार्यक्रम किया था और एक तरह से एक रिकॉर्ड बनाया था। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम किया गया। कलेक्ट्रेट के आसपास बहुत लोग आते हैं, हमारे कर्मचारी भी यहाँ निरंतर आते हैं, पुलिस का जाप्ता भी आता रहता है। तो लगातार नज़र में रहे, ध्यान में रहे कि चुनाव की डेट है, ये समय है वोट डालने का, और उसमें लगातार मतदाताओं को ध्यान रहे, इसलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो महिला प्रधान चुनाव हमारे रहे, ऐसा हमारी सोच है, और इसलिए बूथों पर विशेष रूप से जो मिनिमम फैसिलिटी है उनको अच्छे से अच्छा करें, उसके लिए मल्टीपल रूप से उनको बार बार चेक कराया है। विशेष रूप से महिला जो मतदान बूथ हर विधानसभा में होते थे, 8 का निर्देश है, हमने उनको 15 किया है, यानी महिलाओं की भागीदारी लगभग डबल कर दी है। और इस कारण से हर विधानसभा में 15 ऐसे बूथ मिलेंगे, टोटल 75 चित्तौड़ में मिलेंगे, जिनमें केवल महिला ही कार्मिक हैं वो आपको मिलेंगी, जो मतदान कराती रहेंगी। और हमारा मानना है कि हम काउंटिंग के दिन भी प्रयास करेंगे कि पूरे काउंटिंग हॉल में जहाँ संभव हो वहाँ महिला मतदाताओं से, महिला कर्मचारियों से काउंटिंग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने शुक्रवार को सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। मेहता ने प्रशिक्षणार्थीन अधिकारियों से कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय को मतदान करवाने की प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और उत्साह से सीखें। उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स को पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बारीकी से समझाने के निर्देश दिए, ताकि मतदान के दिन यदि कोई समस्या आए तो तत्काल उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर ईवीएम और वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में उनकी समझ को भी परखा। इस दौरान मेहता ने मतदान दल के सदस्यों की विभिन्न समस्याओं को समझा, जिनके निस्तारण के लिए प्रभारी अधिकारी को आदेश दिए। शादी को अंजाम देने में आप प्रमोशन लगे, तो इसमें कितनी बेहतरीन शादी।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत जारी सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन चिकित्सा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मगरती रैली का आयोजन किया गया। सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन की थीम समावेशी वॉकथॉन तथा आज का रंग आसमानी था। जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली सुबह 8 बजे महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर सूचना केंद्र गोलप्या और चौराया होते हुए अम्बेडकर सर्किल तक पहुंची, पुनः सुभाष मार्केट से होते हुए महात्मा गांधी चिकित्सालय पर समाप्त हुई। रैली में विभिन्न राजकीय एवं निजी नर्सिंग विद्यालयों के छात्र छात्राएं, आंगनबाड़ी कार्मिक, आशा सहयोगिनियां, राजीविका कर्मचारियों तथा जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों सहित लगभग 350 व्यक्तियों ने भाग लिया। रैली में मतदान जागरूकता संबंधी नारे, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, जागरूक नागरिक की क्या पहचान, सभी करेंगे मतदान लगाते हुए सभी बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। इस रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीपी गोस्वामी एवं एडीपीसी योगेश चंद्र पारिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्वाचन की गरिमा को सबसे पहले वोट दो। ये थोड़ा सीधा कर लो, दिखना चाहिए। पूरा खोलो, पूरा इधर वाला खोलो। नहीं दिखाना है अभी के लिए, इतना ही, धन्यवाद।